मैं हूँ आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। द कपिल शर्मा शो में सरला की भूमिका निभा रही सुमोना चक्रवर्ती इन दिनों कलर्स पर शुरू होने जा रहे अपने नए शो देव को लेकर काफी उत्साहित हैं। साथ ही वो कपिल शर्मा शो में भी अपने किरदार से काफी खुश हैं। लेकिन सुमोना को एक बात से बेहद गुस्सा आता है और वो है जब उनसे पूछा जाता है कि सेटल कब हो रही हैं। बस इसी बात से सुमोना को चिढ़ है। वो कहती हैं कि उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि महिलाओं की कामयाबी उनकी शादी से क्यों आंकी जाती है। सुमोना कहती हैं कि उनसे ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि वो कब सेटल होंगी, लोग उनसे शादी के बारे में पूछते हैं। सुमोना कहती हैं कि उन्हें ये प्रश्न बहुत अपमानजनक लगता है। सेटल होने का मतलब शादी क्यों है लोगों के दिमाग में? अगर लड़की ने शादी नहीं की तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो सेटल नहीं हुई है। सुमोना कहती हैं कि मेरा अपना बैंक बैलेंस है, मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ, फिर सेटल होना और किसे कहते हैं। सुमोना कहती हैं कि उन्हें इस तरह के टैग से परेशानी होती है। सुमोना ने आगे अपने रिलेशनशिप के बारे में यही कहा है कि वो 3-4 सालों से सिंगल हैं। फिलहाल वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं और उन्हें कभी शादी भी करनी होगी तो इसलिए नहीं कि लोगों को पता चले कि अब वो सेटल हैं, बल्कि तब जब उन्हें सही व्यक्ति मिल जाएगा। सुमोना ने ये भी कहा है कि मेरे लिए शादी मेरी मस्ट डू लिस्ट में नहीं है, जब मुझे ऐसा करना महसूस होगा सिर्फ तभी मैं इस बारे में सोचूंगी। काजोल के कजिन भाई सम्राट मुखर्जी और सुमोना के रिलेशनशिप की काफी खबरें आती रही हैं। इस सवाल के जवाब में सुमोना ने स्पष्ट किया है कि वो किसी भी अफवाह या खबरों पर सफाई देना जरूरी नहीं समझती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।